ये मिर्चों की बघारी मिर्चें कहलाती हैं, ये मिर्चों की डिश है, बहुत ज़बरदस्त है। ट्राई कीजिएगा प्लीज़, हो सके तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बड़ी यम्मी सी अच्छी सी डिश बना रही हूँ और शेयर करूँगी आप लोगों को। तो ये स्वीट पेपर इसे कहते हैं, रंग बिरंगी कलरफुल, जो कि सबको ऐसे भी अगर आप खाएं तो बहुत टेस्टी होती है, पकाने के बाद क्या इसका टेस्ट होगा माशाल्लाह। तो इसके लिए हमने ये आधे घंटे पहले ये इमली भिगो लिया था, ये भी स्वीट स्वीट है, ज़्यादा सावर नहीं है। और इसमें ये अचार का मसाला हमने बनाया है, इसमें सौंफ, धीरा, कलौंजी और धनिया कुटी हुई और अनारदाना वगैरह इसके अंदर सब है मौजूद। और ये सालन के लिए है, ज़ीरा है, धनिया है, एक एक चम्मच है छोटे चम्मच से, हल्दी है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, मिर्च है और ये धनिया है, ये ज़ीरा है, ये कुटी हुई सौंफ है, ये मैंने ले लिया सालन के लिए। ये अनियन मैंने हाफ फ्राई किया है इसको, और ये है इसमें खशखाश है इसके अंदर, और ये चार मगज़ है, ये दोनों मिला के हमने हल्का सा रोस्ट किया था। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि स्मेल बहुत जल्दी आ जाएगी। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं इसमें इस तरह से, इसको हम पीस लेते हैं। ये मसाला इसका है जो हम इसको पीसेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। ये चार मगद और खशाश ये है इसमें, ये रोस्टेड है, और थोड़ा इसमें इमली का पानी हम डाल देंगे, और इसमें भी थोड़ा अचार के मसाले में भी इमली का पानी हम डाल देंगे क्योंकि ये हमें मिर्चों में भरनी है। ये इसके लिए हमने इसको वेट कर दिया। चलते हैं इसको थोड़ा इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये अचार का मसाला हमने बनाया हुआ है, वो किसी दिन हम आप लोगों को अचार का मसाला बना के दिखाएंगे। बिरयानी का मसाला भी मेरा बना हुआ रखा होता है, तो ये मैं इसमें डालूंगी, अक्सर बेशतर ये मैं बनाती रहती हूँ घर में। तो ये मिर्चों को इस तरह से काटना है, इनके डंठल निकालने और इन्हें ऐसे फिल करना है, फिल। बहुत टेस्टी आज की डिश है। प्लीज़ जो नए आने वाले हैं मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक लाइक अगर बनता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, तो ताकि मैं आपको आप मेरी सारी वीडियो देख सकें जो पहले अगर छूट गई हो, और आज की और आइंदा आने वाली सब आप तक पहुंच पाए। ये मसाला हमने तैयार कर लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखिए ये मिर्च का कलर देखें, ज़बरदस्त कुदरत की, इसमें हर जगह कुदरत की शान नज़र आती है। ये मिर्चें जो भर रही थी ये भर चुकी हैं, ये इस तरह से होती हैं भरी हुई मिर्चें, ये फुल हैं, और इनको इसी तरह से बैक साइड से इनके वो जो डंडी थी वो निकाल के और इनको भरा है। अच्छा, इसका बघार जो है हम कढ़ी पत्ते से लेंगे क्योंकि कढ़ी पत्ते का बघार इसका बहुत टेस्टी होता है, इसका कम्बिनेशन भी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको कढ़ी पत्ते का बघार दे के फ़ौरन बंद कर देना है ताकि इसकी स्मेल आ जाए। ये मिर्चों की बघारी मिर्चें कहलाती हैं, ये मिर्चों की डिश है, बहुत ज़बरदस्त है, ट्राई कीजिएगा प्लीज़, हो सके तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
कोई ज़रूरी नहीं है कि गोश्त और चिकन हम खाएं और उसका सालन बनाएं। मिर्चों का ये बहुत ही यूनिक बड़ा ज़बरदस्त है सालन, अक्सर बेशतर हम बनाते हैं। अच्छा, इसकी कम्बिनेशन ये है, पराठा, रोगनी रोटी, तिल की रोटी, तंदूर की रोटी, दाल चावल, ये इसका कम्बिनेशन है, इसमें आप खा सकते हैं। दाल चावल के साथ, तिल की रोटी के साथ, रोगनी रोटी, पराठा, सादी रोटी, मिर्चें हो गई हैं अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं और सॉफ्ट हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं और सॉफ्ट हो गई हैं। इसमें अब ये ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देंगे। इसके मसाले का कलर देखिए बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा। इसमें ये इमली का जूस डाल देंगे, ये इमली खट्टी नहीं है, बहुत टेस्टी इमली है। इसको 2 मिनट फुल आंच पे और 10 मिनट इसको धीमी आंच पे दम पे रखेंगे, जब तक किनारे किनारे हमारा ऑयल ना आ जाए, तो जब तक ये पकेगी 10 मिनट्स। जी गाइस, ये तैयार हो गया है, ये आप देखिए इसका ऑयल जो है किनारे किनारे इसका ऑयल आ गया है, इसमें ऑयल आ गया है और मिर्चें इसकी सॉफ्ट हो गई हैं। इसके माने ये होता है कि फुल कुक हो गया है। बड़ी ज़बरदस्त सी डिश है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट भी अच्छा है। फ्लेवर में और टेस्ट में फ़र्क है, फ्लेवर हमने दिया है इसका कढ़ी पत्ते का दिया है और टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। कलरफुल हमारी ये मिर्चें हैं, ज़बरदस्त हैं, ज़रूर आजमाइएगा। और बस देखने की बात नहीं, अगर आप इसे अपने घर में ट्राई करें और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करें तो बहुत ज़बरदस्त ऐसी टेस्ट होगा जो इस वक्त है। खशखाश और खरबूजे के बीच जिसे चार मगज़ भी कहते हैं वो, और ट्रांसपेरेंट से ज़रा सा और गुलाबी प्याज हमने इसमें मसाला बनाया था और धनिया मिर्च सारी चीज़ें अदरक लहसुन वगैरह का इसका मेन मसाला था और अचार का मसाला इसके अंदर इसको मिर्चों को थोड़ा थोड़ा काट के हमने डाला था। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको देखेंगे, अपने घरों में ट्राई करेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान है।